औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान लईन रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम ज़फ़र लद्दा है, मैं बम्बई हूँ इंडिया से, और आज मैं यहाँ सऊदी एम्बेसी के बाहर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो आले सऊद है, जो अपने आप को मक्के में होली काबा के खादमैन बोलते हैं, वो आज जो है एक आयतुल्ला शेख निमिर को कैद में डाले हैं, क्योंकि उन कैद में डाले क्योंकि उसने नाइंसाफी के खिलाफ अपने आवाज़ उठाए। ये जो आले सऊद ख़ानदान है, जो सऊदी अरेबिया पे नाजायज़ रूल करते हैं, उनको रूल करने का हक नहीं है। ये करते हुए उन लोग ने बहुत इंसानियत के खिलाफ बहुत सारे जुर्म किए, और उनमें से एक ये है कि उन लोग सीरिया में उन लोग रिबेल्स को पैसे देते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए, जंग करने के लिए। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो बहरीन में उन लोग कुछ नहीं करते, बहरीन में कितने सारे इंसान हैं, मुसलमान दूर की बात है, सबसे पहले तो हम सब इंसान हैं, वो उन लोग बहरीन में जो नाजायज़ रूलिंग फैमिली उनको पैसे दे दे ताकि वे मारे इंसान को। इसलिए मैं यहाँ बाहर खड़ा हुआ ताकि मैं ये सऊदी अरेबिया के जो फैमिली है उनके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर सकूँ, और मैं पूरी दुनिया को बताऊँ कि ये जो खानदान है ये नाजायज़ है, इनको रूल करने का कोई हक नहीं है। बहुत से लोग जानते नहीं, इसलिए इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, मैं रसूल में यकीन करता हूँ, मैं आहले मोहम्मद का शिया हूँ, और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ ईविल है, जो चीज़ इंसानियत के खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ बताने के लिए कि ये जो है ये बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं। इसलिए ये जो शेख निमर है ये जेल में, इसको इन लोग मारने वाले हैं, क्योंकि इसने नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसने कोई जुर्म नहीं किया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिधर भी हो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अपनी आवाज़ उठाओ, और ये जो आयतुल्ला निमर है, जो ये पिक्चर पे, ये उसने कुछ नहीं किया, इनोसेंट है, जेल में मरने वाले, इसलिए अपना आवाज़ उठा के इसको फ्री कराए। आप जिधर भी है, आप जाए अपने सऊदी अरेबिया एम्बेसी के पास और अपने आवाज़ उठाए, लेटर लिखे, खत लिखे, इनको बताए कि ये नाजायज़ है, इन लोग को ऐसे जुर्म करने का कोई हक नहीं है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।